Hello friends, welcome back to my channel. Today I'll be talking about this beautiful Hoya or Dischidia plant, about its growth, care, propagation and also about the potting mixture. So watch the video till the end. तो ये होया प्लांट जो है ये मैंने एक छोटे से कटिंग से शुरू किया था, प्रोपागेट किया था, उसका भी एक सेपरेट वीडियो है, शॉर्ट्स वीडियो आप जरूर देखिए। तो प्रोपागेशन के बाद ये काफी बड़ा हो चुका है और इसको मैं अभी रिपॉटिंग करूंगी इस हैंगिंग प्लांटर में। तो ये हैंगिंग प्लांटर में बहुत अच्छा दिखता है। होया कटिंग को मैंने कोकोपीट में प्रोपागेट किया था, देखिए कितने सारे रूट्स इसमें आ चुके हैं और ये बहुत ही एक बेहतरीन मीडियम है प्रोपागेशन के लिए या फिर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए। तो इसको आज रिपॉटिंग करूंगी। तो पॉटिंग मिक्सचर कैसा होना चाहिए आज मैं आपको दिखाऊंगी। ये है कोको कॉयर का छोटे छोटे पीसेस, ये है वर्मी कंपोस्ट और ये कोको पीट मैंने ले लिया है और थोड़ा सा गार्डन सॉइल भी ले लिया है। इस सभी को मिक्स कर दूंगी। ये होया दूसरे प्लांट्स के बार्क्स में भी ग्रो करते हैं, इसीलिए ये कोको कॉयर का जो चिप्स है ये बहुत ही एक बेहतरीन मीडिया है इसके लिए। आप बार्क्स भी यूज कर सकते हैं या फिर लीफ कॉम्पोस्ट यूज कर सकते हैं। इस छोटे से ग्लास से निकलते समय इसको थोड़ा सा प्रेस करके हल्के हाथों से इसको निकालना पड़ेगा विदाउट डैमेजिंग द रूट्स। देखिए कितने सारे रूट्स फॉर्मेशन हो चुके हैं इसमें, बहुत ही अच्छी तरह से रूट्स ग्रो कर चुके हैं। सो नाउ आई विल प्लेस दिस इन द हैंगिंग पॉट। ये होया प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती, सुबह की थोड़ी सी धूप या फिर फिल्टर्ड सनलाइट आ जाए ऐसी जगह में रख सकते हैं। इसको आप अपने विंडो के पास या फिर बैल्कनी में जहाँ पे ब्राइट लाइट हो वहाँ पे भी रख सकते हैं। होया प्लांट्स कैन नॉट विदस्टैंड हार्श सनलाइट, कड़ी धूप में इनके पत्ते जल जाते हैं या फिर पत्ते सूख जाते हैं। तो ये जो पॉटिंग मीडिया मैंने बनाया है ये मॉइस्ट रहेगा हर वक्त। पॉटिंग मीडिया सूखने के बाद तभी पानी देना चाहिए, ओवर वाटरिंग एकदम ना करें क्योंकि इनके पत्ते स्टेम्स रूट सब गल जाएंगे। रिपोर्टिंग के बाद पहली बार इसको अच्छी तरह से पानी देना होगा और इसको मैं ऐसी जगह रखूंगी जहाँ पे ब्राइट शेड है, मतलब कि ब्राइट एरिया है और छन के धूप आती हो या फिर थोड़ी बहुत फिल्टर्ड सनलाइट आती हो। तो ये सारे हैंगिंग प्लांट्स मेरे विंडो में मैंने हैंग किया है और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट है, यू कैन ऐड वर्मी कंपोस्ट और फर्टिलाइजिंग आफ्टर 2 to 3 months और इवन NPK एवरी 6 months, दैट विल बी एनफ फॉर दिस। होया के बहुत सारे वैरायटीज नर्सरी में मिलते हैं, आप खरीद सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो यूजफुल लगा कि नहीं। सी यू सून, बाय।